इफ्तिसार से बड़ी खबर के साथ, चौधरी बीरेंद्र सिंह का भूपेंद्र हुड्डा को न्योता। चौधरी बीरेंद्र ने बीजेपी में आने का न्योता भूपेंद्र हुड्डा को दिया। हिसार रैली में हुड्डा को बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत देते नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अमित शाह को बता चुके हैं मित्र। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा में चुनाव को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं उस बीच आज ये बड़ी खबर हिसार से सामने आई है। हिसार में गौरवशाली भारत रैली के बीच चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा को न्योता दिया और कहा कि अब भूपेंद्र हुड्डा को भी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले, आज से तकरीबन 9 से 10 दिन पहले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब अमित शाह की रैली को लेकर पूछा गया था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि अमित शाह तो मेरे मित्र हैं। और आज इसी बात को लेकर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर उन्होंने कह दिया कि अमित शाह अगर को वो अपना मित्र बता चुके हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो हिसार रैली में हुड्डा को बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत देते नजर आए। कांग्रेस का जो नेता है ना हरियाणा का, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं एक बात बता रहा हूं, समझ लेना, वो कभी भी कोई सरकार के खिलाफ बात करता है तो उससे पहला न्यूक है कि अमित शाह तो मेरे मित्र हैं। तो फिर क्यों रोड़ा कर रहा है, तो अपने घर बैठे, अमित शाह तेरा मित्र है, वो हमारा बीजेपी का, भारत सरकार का गृह मंत्री और सबसे बड़ा नेता है लोगों का, कह मारे आली में आ जा, और ना उसने मित्र कहना छोड़ दे, फिर मारी बुराई क्यों करे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लगातार तमाम जानकारी देंगे कि आखिर कैसे एक के बाद एक बयानबाजी का दौर जारी है, और उसी के साथ तमाम बड़े नेताओं की ओर से एक दूसरे को नसीहत के साथ साथ तंज भरे लहजे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। क्योंकि हिसार में हमने देखा चौधरी बीरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी ज्वाइन करने का न्योता देते नजर आए, और उसी के साथ उन्हें वो बात भी याद आ गई जब आज से तकरीबन 8 से 9 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अमित शाह को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछे थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह तो मेरे मित्र हैं। इसीलिए चौधरी बीरेंद्र सिंह भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अमित शाह को अपना मित्र ही बता चुके हैं, तो उनको बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो बड़ी बात यह कि अब इस बड़े बयान के बाद विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि राजनीति में बयानबाजी बहुत मायने रखती है, उसके कई मायने होते हैं, और कहीं ना कहीं उसको लेकर आसार भी आने वाले समय में जताए जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष की भूमिका में एक बहुत बड़ा चेहरा है, और उसी के साथ कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं, और दावा ये करते नजर आते हैं कि कांग्रेस इस बार सत्ता पर काबिज होगी, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि अभी संगठन बना नहीं, लेकिन उससे पहले सरकार बनने का दावा जरूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते नजर आते हैं। और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति क्या रूप बदलती है, क्योंकि चुनाव लगातार नजदीक आते नजर आ रहे हैं, और लोकसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, इसीलिए बेहद जरूरी है ग्राउंड जीरो पर सभी बड़े दलों को अपने संगठन को मजबूत करना, और उसी के साथ कौन सा लीडर कहां पर स्टैंड करता है ये काफी मायने रखता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी हरियाणा का एक बहुत बड़ा नाम है, माने जाने कद्दावर नेता है, और उसी के साथ तमाम जिम्मेदारियां बीजेपी में निभाते नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि गौरवशाली भारत रैली की जा रही है, तमाम बड़े नेता इसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो इस बीच हिसार में चौधरी बीरेंद्र सिंह का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को न्योता इसी मंच से दिया गया।